जलिका विहार के रक्षक इचोरगंज पे प्रहार करते हैं। दोनों दूर जाके गिरते हैं। इचा का पक्षी डर जाता है, कोई तो आवाज उसे चुप रही है। वो वहां से उड़ जाता है। उशासी, कोई तो आवाज उसे परेशान कर रही थी। इचा, क्या तुम्हें भूतों की आवाज आ रही है? नहीं यश, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। ये जलिका विहार का प्रवेश द्वार तो बहुत खूबसूरत है। तभी जलिका विहार के रक्षक उनके सामने आ जाते हैं। रुक जाओ, क्या तुम चंद्र शक्ति प्राप्त करने आए हो? केवल पवित्र हृदय और उद्देश्य वाले ही चंद्र शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारे शहर को बचाना है। साहस, बुद्धिमता और पवित्रता, इन तीन परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ईशा, ये तुम्हारे पवित्रता की परीक्षा है। तुम्हें इस पानी के तालाब को पार करना है। अगर तुम पवित्र हो तो पानी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जितना तुम्हारे अंदर पाप है, पानी उतना हिलेगा। ईशा चलना शुरू करती है। ईशा इस परीक्षा में पास हो जाती है। यश, अब तुम्हारी बारी है। पवित्रता की परीक्षा तुमने पार कर ली, अब अगली परीक्षा तुम्हारे बुद्धि की है। तुम्हें इस भूल भुलैया से बाहर आना है। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। जहां भी दौड़ते हैं वापस अपनी शुरुआती जगह पे आ जाते हैं। ये कैसी भूल भुलैया है? जहां भी जा रहा हूं वापस वहीं आ जा रहा हूं। इससे बाहर निकलने के लिए कोई क्लू ढूंढना होगा। चांद, इस चांद को फॉलो करते हुए रास्ता लेती हूं। दोनों चांद की रोशनी को फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों बाहर आ जाते हैं। अब समय है तुम्हारी तीसरी परीक्षा का। माँ, मैं आप पे वार नहीं कर सकती। पापा, मैं आप पे तलवार कैसे चलाऊं? माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। ये मेरे पापा नहीं हो सकते हैं। यश अपनी तलवार निकालता है और जोरदार प्रहार करता है। यश, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। यश, तुम अंदर जा सकते हो। जाओ और चंद्र शक्ति ग्रहण करो।
जाओ यश, ये तालाब में जाओ और शक्ति ग्रहण करो। यश उस तालाब के अंदर जाता है। मैं काफी शक्तिशाली फील कर रहा हूँ, काफी शांति भी लग रही है। कोलवेज, हम आ रहे हैं। वही भील बैकवर्ड को रोके हुए है। प्रिंस अपनी फास्ट स्पीड से सेंटेंस को रोके हुए है। और रजनी कोलविज से लड़ रही है। अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। One gone, two to go। इतना कहते ही यश नीचे गिर जाता है। यश, 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 यश को तुरंत आराम की जरूरत है। ईशा, तुम यश को घोस्टिस्तान में छोड़ कर आओ, मैं भिल के पास जा रही हूँ। ईशा तुरंत यश को घोस्टिस्तान में छोड़ देती है। और फिर ईशा तुरंत भील के पास पहुंच जाती है। इसे रोकने के लिए प्रकाश शक्ति हासिल करनी होगी। मैं इसे रोकती हूँ, भील तुम ईशा के साथ जाओ। वही वल्चर्स को खबर मिलती है कि कोलविज को टीम को थंडर ने खत्म कर दिया है। वल्चर्स बहुत गुस्से में आ जाता है। यश, जल्दी से यश के भाई का पता लगाओ, मैं यश को नहीं छोड़ूंगा। ईशा, मुझे प्यास लगी है। भील कितना शक्तिशाली है। भील तालाब में पानी पीने लगता है। मुझे घोस्ट की आवाजें आ रही हैं। ओ नहीं, नीचे घोस्ट हैं। ईशा तुरंत तेजी से भील के पास जाने लगती है। भील, तालाब में घोस्ट हैं, पानी मत पीना। लेकिन जैसे ही भील तालाब का पानी पीता है, तालाब से एक बड़ा घोस्ट बाहर निकलता है और भील को एक जोरदार मुक्का मारता है। भील, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। ये सब कुछ कितना प्यारा है। हमारे और हाफ घोस्ट के बीच में फाइट, ऐसा क्यों? घोस्ट दुनिया में अंधेरा कर देंगे, वो रात और दिन का बैलेंस बिगाड़ देंगे। ये कोशिश वो सालों से कर रहे हैं। हजारों साल पहले भी यही कोशिश उन्होंने की थी, तब हाफ घोस्ट की सेना उनसे लड़ी थी। मैं भी उनमें से एक हूँ। घोस्ट हावी हो गए थे और हम यहाँ छुप गए। हम यहाँ उस स्टोन को बचा के रखे थे जो घोस्ट यूनिवर्स और ह्यूमन वर्ल्ड के ब्रिज के लिए काम आएगा। लेकिन हम में से कुछ लोग घोस्ट के साथ मिल गए, जैसे कि तुम। क्या होगा अगर घोस्ट ने दुनिया पर कब्जा कर लिया?
भील और ईशा सन टेंपल के सामने पहुंच जाते हैं। हमें मंदिर के अंदर जाना होगा, लेकिन ये डोर तो बंद है। भील पूरी ताकत लगा के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। दरवाजे में कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। दोनों ध्यान से उसे समझने की कोशिश करने लगते हैं। शायद इस मंदिर का दरवाजा सुबह खुलेगा, इसलिए दरवाजे पे ये पिक्चर बना हुआ है। दोनों वहीं बैठ सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। इतनी सुंदर और शांत जगह है, मैं यही पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। चलो ईशा, डोर खुल गया। क्या होगा आगे? किसको मिलेगी प्रकाश शक्ति और क्या वल्चर्स को मिल जाएगा यश का भाई? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।